ऐसे वक्त पर जब देश में दो कोरोना वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से आपात इस्तेमाल को लेकर मंजूरी दे दी गई है, अगले कुछ दिनों से देश भर में कोरोना वैक्सीन का काम बड़े स्तर पर शुरू हो जाएगा। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा वो कोरोना वैक्सीन नहीं लग पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग प्राथमिकता समूह में सबसे पहले आते हैं उन्हें पहले ये वैक्सीन मिलनी चाहिए। कुछ रिपोर्ट के अनुसार शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैंने ये फैसला किया है कि मैं अभी वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, पहले इसे दूसरों को लगाया जाना चाहिए, मेरा नंबर उसके बाद आएगा। हमें ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना है कि प्राथमिकता समूह में आए लोगों को पहले वैक्सीन मिले। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तरफ से ये टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई जब एक दिन पहले ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के VG सोमानी ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार की गई कोविशील्ड और भारत बायोटेक से बनी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।